हम उनसे सवाल करेंगे जो सत्ता में मौजूद है, हम उनसे सवाल करेंगे जिनके हाथ में शासन और प्रशासन है, हम उनसे सवाल करेंगे जिनके हाथ में मीडिया है, जिनके हाथ में पुलिस है, हम उनसे सवाल करेंगे जो सवालों से भागते हैं। हम आपको खबरों के पीछे की वो खबर दिखाएंगे जिसे आप है बाखबर, सिर्फ आप देख रहिए सत्य आज तक। अहमद भाई, सत्य आज तक में आपका स्वागत है। इस कोरोना की महामारी में देखते हुए आज सड़कों पर हजारों लाखों मजदूर पैदल जा रहे हैं, उनके ताल्लुक से आपका क्या ख्याल है? देखिए, जितना तकलीफ तो हर है ही, मजदूरों को और मजदूर घबराया हुआ है इस बीमारी से और चाहता है कि हम अपने घर चले जाएं, और अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि सारे मजदूर अपने घर अल्लाह ताला सबको खैरियत से पहुँचा दे। ये बीमारी से लोग काफ़ी डरे हुए हैं। कोरोना की महामारी में जो मजदूर परेशान है, उन लोगों की अब तक आपने क्या मदद की, उन लोगों की अब तक आपने क्या साथ दिया? ये जितना अल्लाह ताला ने हम लोगों से काम लिया हम लोगों ने किया और आज तक करते आ रहे हैं, और जब तक इंशाल्लाह ये लॉकडाउन रहेगा लोग परेशान रहेंगे, जितनी अल्लाह ने हमको ताकत दिया उस तक करते रहेंगे और अभी भी कर रहे हैं, और अल्लाह से दुआ भी कर रहे हैं कि अल्लाह अब इस मुसीबत से जल्द हम लोगों को और सारी दुनिया को इससे निजात दे। मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज का ऐलान किया मजदूरों को लेकर, उस 20 लाख पैकेज के ताल्लुक से आपका क्या ख्याल है? मुझे लगता है कि सब ये धोखेबाजी है, उनका जुमला ही रहता है, और कुछ करे कुछ दिखे तो समझ में आए कि हाँ कर रहे हैं, लेकिन मजदूरों के लिए तो उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर मजदूरों के लिए ये किए होते तो आज ये दिन ना आता कि लोगों की मौत होती, लोग पैदल जा रहे हैं, रास्ते में मर रहे हैं, ट्रक में बैठ के जा रहे हैं, गाड़ी पलट जा रही है तो लोग मर जा रहे हैं। बड़ी अफसोस की बात है कि सरकार गरीबों के बारे में कुछ नहीं कर रही। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ और सारे लोगों से कहता हूँ, रमज़ान का बरकत महीना है, सारे लोग दुआ करो अल्लाह ताला से कि अल्लाह इस बीमारी से सारे हिंदुस्तान और सारे दुनिया को इस मुसीबत से निकाले, और ये दिन अल्लाह ताला कभी ना दिखावे, ऐसा लोग दुआ करना चाहिए रमज़ान महीने में अल्लाह से, गिड़गिड़ा से गिड़गिड़ा के अल्लाह से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह इस बीमारी से हम सबको महफूज रखें। जैसे हम वोट मांगने लोगों के घर घर जाते हैं, उसी तरह हम चाहिए कि हम लोगों घर जाके क्या परेशानी है, उनके घर में क्या तकलीफें हैं, और वो तकलीफ दूर करना चाहिए। कोई करे या ना करे, अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल करम से मैं कर रहा हूँ, और मैं लोगों के घर घर जाके पूछ रहा हूँ, और जो मुझसे हो सकता है मैं अल्लाह के करम से उनको कर रहा हूँ। महानगर पालिका ने जो खाना चालू किया, यकीन मानिए उससे बहुत भिवंडी में लोगों ने खाया और बहुत संभला मामला, नहीं तो ये पब्लिक रोड पर आ जाती। आज भिवंडी में कम से कम 5 परिवार से 80,000 आदमी को खाना मिल रहा था सुबह शाम, और अभी ऐसा लग रहा है कि ये बंद होने वाला है। हम लोग कमिश्नर से बात करने वाले हैं कि इसको बंद ना करें, इसको चलने दें, ताकि कम से कम ये इससे महफूज लोग रहें, कम से कम 2 वक्त उनको जो खाना मिल रहा है महानगर पालिका से वो मिलता रहे। तो रमज़ान ख़त्म हो रहा है और ईद शुरू होने वाली है, तो इसी में देखा जाए कुछ ऐसे लोग हैं जो ईद की शॉपिंग को लेकर अभी भी शॉपिंग करने के लिए उसका इंतज़ार कर रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो भूख से मर रहे हैं, तो वो लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो शॉपिंग का इंतज़ार कर रहे हैं? मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि जब हमारी मस्जिदें बंद है, हमारी तरावी बंद है, हमारी ईद की नमाज अलविदा की नमाज बंद है, तो हम ईद की खुशी बना के क्या करेंगे? हम ईद की खुशी क्यों बनाएंगे? हम शॉपिंग नहीं करेंगे, हम शॉपिंग करेंगे तो उनको लोगों को जो आज बोल रहे हैं फिर उनको बोलने का मौका मिलेगा कि ईद के वजह से कोरोना फैला। मेरी आप तमाम मोमिन मुसलमानों से गुजारिश है कि वो ईद की शॉपिंग ना करें, वो अपने घरों पर नमाज़ पढ़े और अल्लाह से रो रो के दुआ करें कि अल्लाह इस बीमारी से हम सबको महफूज रखें।